एक तो मैं आज यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि हमारे जो मिश्रा जी है, सर आप सुरेंद्र कैमरा जी, में देखिए सर, उनके साथ में मेरा बहुत पुराना रिलेशन है। उन्होंने मेरी एक फिल्म थी मनोरमा 6 फीट अंडर, जिसके लिए उन्होंने एक गाना लिखा था और गाना बहुत ही सुपरहिट उस टाइम पे रहा था। सो उसके बाद भी उनके साथ में काफ़ी रिलेशन रहा है, कुछ ना कुछ हमने साथ में काम किया है। और उसके बाद वो बड़े राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर और डायलॉग राइटर हुए, फिर डायरेक्टर भी बन गए, और आज वो पहली बार एज अ प्रोड्यूसर भी आ रहे हैं। सो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, एक्टर, तो शायद मुझे पता नहीं कितनी हाँ फिल्मों एक्टर भी में है सर, काम किया है, एक्टर भी है, लेकिन एक्टर हर फील्ड में मैंने वो माहिर रहे। और उनको आज विश करने के लिए मैं यहाँ पे आज आया हूँ, आप लोगों के सामने हूँ, और मेरी ये शुभकामनाएं कि ये फिल्म सुपर हिट रहे और दूसरी दो चार फिल्में आप शुरू कर दें। जी सर, सुरेंद्र जी आप मैं चाहूंगा, क्या प्रोजेक्ट है ये, क्या इशू को हाईलाइट कर रहे हैं, क्या विषय है और कितने आप उत्साहित हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर? सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा जितने हमारे मतलब बड़े लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, शिवारू वीडियो के मालिक केतन भैया आए हुए हैं, तो ये सबसे लिए मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मनोज भैया यहाँ उपस्थित हैं और जावेद जी हैं, और अजय सर का बहुत बड़ा मेरे जीवन में योगदान रहा है एज ए राइटर। एज ए राइटर मैंने, मुझे लगता है कि अजय सर की मैंने 10-12 फिल्में की हूँ, बारह बारह 10-12 फिल्में की हैं। तो ये ड्यू था, मैंने आपको एक्टिंग करा था, आप मुझे एक्टिंग संजोग क्या बहुत बड़ा बना है कि ये मुझे एक सुहाग फिल्म में डायरेक्ट किए थे एक्टिंग एज ए एक्टर, तो आज एक मैं इसको डायरेक्ट करने वाला हूँ, तो ये भी एक नयापन है। और थोड़ा सा डर भी है कि एक डायरेक्टर जब को डायरेक्ट करना कितना मुश्किल होगा लेकिन मुझे मालूम है कि बहुत मदद करेंगे मेरा। और गोपाल भैया बनारस के हैं और एक्टर हैं, सिंगर हैं, इनकी कम से कम 7-8 फिल्में आ चुकी हैं, और इसमें फिर हम लोग साथ में जुड़े हैं। दो हीरो की कहानी है, दो भाइयों की कहानी है, कहानी पृष्ठभूमि पे है दो भाइयों के प्यार के, कि प्यार तो दो भाइयों में बहुत होता है लेकिन शादी के बाद वो प्यार जब वाइफ आ जाती है तो कैसे कैला में बदल जाता है, लेकिन एक भाई के प्रति भाई का व्यवहार कैसा हो, माँ के प्रति बेटे का व्यवहार कैसा हो, लाखों में हमार भौजी जैसा कि टाइटल से ही लग रहा है कि एक पारिवारिक सिनेमा है, तो हमने पूरा पारिवारिक पृष्ठभूमि को पकड़ा है। फिर कहानी में कैसे एक ट्विस्ट आता है कि एक छोटी सी गलत फहमी में कैसे दो भाई अलग हो जाते हैं, फिर उस गलती का जब भाई को एहसास होता है, एक भाई को, वो उसके पास जाता है, तो वो हमारा क्लाइमेक्स वो मैं नहीं बता सकता। फिर क्या होता है जब उसको लेने जाता है तो उसे मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है, वो हमारी कहानी का एक क्लाइमेक्स है। तो पूरा पारिवारिक ताना बाना है कहानी में। जी गोपाल जी, आप सबसे चाहूँगा आप कैसे जुड़े हैं प्रोजेक्ट से और क्या कहते हैं प्रोजेक्ट को? सबसे पहले हम दो लाइन अपना परिचय बता दें कि हम बनारस के में रहते हैं, लेकिन हम भोजपुर, जहाँ से हमारी भोजपुरी की ओरिजिन है, उस परिवार से ही हम बिलोंग करते हैं। तो भोजपुरी तो हमारी रग रग में बसी है, और खुशी इस बात का है कि गायकी तो हमारी बहुत दिन से चल रही थी, छोटी बड़ी हमने 7-8 फिल्में की हैं, लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे हम अपने लेखक और डायरेक्टर सुरेंद्र मिश्रा जी का, जिन्होंने इसमें मुझे एक लीड रोल दिया। तो इन्होंने बताया था कि दो भाइयों कहानी, भैया आपको लेकर ना चाहते हैं, आप हैं और अजय सर जी हैं, और हम सबके लिए सबसे बड़े गौरव की बात है कि हम सबके जो मुखिया हैं, जो हमारे जो आगे हम सबको लेके जाने वाले हमारे केतन सर हैं, तो हम साधुवाद देना चाहेंगे हम सर को भी कि उन्होंने कम से कम हम बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए आगे आए। और हमारे सर जी हैं सामने, सभी लोग आए हुए हैं, और जितने भी हमारे आज मीडिया कर्मी हैं और छोटे भाई, सबको हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि ये जो पारिवारिक और सामाजिक साफ सुथरी की फिल्म बन रही है, आपके पोस्टर से देखने से ही लग रहा होगा कि आज के दौर में जहाँ पे अश्लीलता और ये सब चीज़ें भरी हुई हैं, उस दौर में एक ऐसी ये फिल्म आ रही है जैसे किसी ज़माने में नदिया के पार हुआ करती। और इसमें इन्होंने ये दिया है कि बंटवारा जैसे होता है तो आप दीवार तो बांट लोगे लेकिन आप दिल और दिमाग कैसे बांटोगे, तो बात वही है। इसी लेकर के इन्होंने ये साफ सुथरी फिल्म बनाई है। हम चाहेंगे आप सबका आशीर्वाद और प्यार मिले और ये हमारी फिल्म सफल हो। सर आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं सबसे पहले थैंक करूंगा सुरेंद्र जी को, क्योंकि उन्होंने सोचा इस बारे में। मैं एज ए डायरेक्टर काम करता हूँ,
तो उन्होंने एक दिन मुझे बोला, हम लोग ऐसे डिस्कस कर रहे थे कि भैया मैं ऐसी फिल्म बनाना चाहता हूँ, तो मैं बोला अच्छा लग रहा है यार, तो बोले कि आप ही एक्ट करो। तो मैंने कहा अभी आप देख लो, मैं तो एक्टर तो हूँ नहीं। बोले नहीं आप अच्छा करोगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आपकी मर्जी है तो करते हैं। तो लाइन कहानी बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने हाँ भी कहा कि हाँ करते हैं। और उसके बाद केतन सर आए, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गोपाल जी हैं, शरद भैया हैं हमारे, जिनकी मैं अगली फिल्म कर रहा हूँ दामाद जी किराए पे हैं, वो मेरे बड़े भाई हैं, उनका भी आशीर्वाद रहा कि वो बोले कि उनको भी मैंने सुनाया उनको कि भैया ऐसी ऐसी फिल्म कर रहा हूँ, बोले हाँ करो अच्छा है कोई बात नहीं। तो यही है, सुरेंद्र जी पे भरोसा है मुझे, अच्छा करेंगे वो। तो सुरेंद्र जी को शूटिंग शेड्यूल बताइए, कब से शुरू होने वाला है, क्या इसका शूटिंग शेड्यूल? हम लोग मार्च एंड में प्लान कर रहे हैं। कहाँ कहाँ करने वाले शूटिंग? मैं बनारस का तो सोच रहा हूँ अभी फिलहाल, दिमाग में बनारस ही है। और जो कलाकार हैं उनके बारे में बता दीजिए, और जो कलाकार अभी कास्टिंग हमें करनी है। सुरेंद्र जी फिल्म में शूटिंग ऐसे बनारस में करने वाले हैं, क्या कुछ रीजन है क्या बनारस में करने, कोई क्यों नहीं कर रहा है? कोई रीजन नहीं है वहाँ, मुझे लगता है कि वहाँ जो हम कल्चर दिखाना चाहते हैं ना वो सुविधा मिल जाती है। जैसे मुझे बैलगाड़ी चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, हैंड पंप चाहिए, तो वो सारी सुविधाएं कल्चर का वहाँ मिल जाता है, बस इसलिए। और कुछ नहीं, खेत खलिहान ओरिजिनल मिल जाता है, आर्टिफिशियल कुछ नहीं मिलता है बस। फिल्म के जो आपके हीरो हैं वो एक बहुत अच्छे डायरेक्टर भी हैं, कैसे एज ए डायरेक्टर आप होंगे उनको साइन किए, क्या कुछ लगा उनमें? मैं इनको देखा था काफ़ी, एक फिल्म थी सुहाग में, तो हालांकि उसमें वो निगेटिव कर रहे थे लेकिन वो बहुत अच्छा किए थे, तो जो मेरा पात्र था ना एकदम सोबर पात्र था, तो मुझे परफेक्ट लगा कि इसके लिए वही बेटर है। फिल्म की हीरोइन के बारे में कुछ जानकारी देंगे? हाँ, हीरोइन अभी अंडर कास्ट है, सीक्रेट है वो, सीक्रेट। हाँ सीक्रेट है, देंगे कुछ बढ़िया। फिल्म के गाने के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, गाने की रिकॉर्डिंग अभी शुरू करेंगे हम लोग। म्यूजिक डायरेक्टर? म्यूजिक डायरेक्टर भी फाइनल नहीं किया मैंने। आज मुहूर्त का रखने की कुछ खास वजह जो? आज खास वजह यह है कि आज हमारे जो हीरो हैं फिल्म के, दो हीरो हैं हमारे, तो आज इनका जन्मदिन है। क्या बात है, सबसे बढ़िया रहेगा सर, बहुत बहुत बधाई हो आज आपका जन्मदिन भी है, कितने साल हो गए? देखिए कहते हैं ना कि औरतें अपनी उम्र नहीं बताती, लेकिन हम लोग मर्द हैं तो अपनी पहचान हम अपनी कला से अपने उससे देते हैं। हम उम्र को आगे आड़े नहीं देना चाहते हैं, हम हमारा काम, हमारा आवाज, हमारा दबंगई बोलेगा फिल्म में। फिल्म का टाइटल है लाखों में एक हमार हो जी, क्या कुछ तैयारी किया आपने फिल्म को लेकर के? अभी तो स्टोरी सुनाई गई थी, गाने वगैरह, चूँकि हम खुद ही सिंगर भी हैं तो जो गाने जितने चाहेंगे हमसे भी गवा सकते हैं, और हमारे जो सहपाठी हीरो हैं अजय जी भी मजे मजाए कलाकार हैं, तो हम सब मिलजुल कर इस चीज़ पे। आप फिल्म में अभिनय भी कर रहे हैं, सॉन्ग भी गा रहे हैं? सिंगर तो हैं पुराने, पहले से मैं सिंगर। अभिनय करना कितना टफ होने वाला आपके लिए? नहीं, रग रग बस ये भोजपुरी। हाँ भोजपुरी, खास करके चूँकि हम लोग भोजपुरी माटी में ही जन्मे हैं, भोजपुरी के रहने वाले हैं, और हम वहाँ से जहाँ से भोजपुरी के ओरिजिन है, तो मेरे लिए भोजपुरी में सिंगिंग, चूंकि बचपन से सिंगर भी हैं, सुरेंद्र जी की क्वालिटी है ना, वो इतना अच्छे से करा लेंगे, हमारे डायरेक्टर बड़े मजे मजे हैं, बड़े मजे में करा लेंगे हम उससे कुछ भी। आपके कुछ खास गाने जो आज जन्मदिन पे कुछ हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? नहीं वो तो हमारा जो बंटवारा है, नहीं लाखों में हम एक ये देना चाहेंगे, हम चूँकि हम जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ये सरस्वती की बड़ी कृपा है, जो सरस्वती के जो साक्षात हस्ताक्षर लोग जुड़े हैं, हम दो लाइन हम वही बोलना चाहेंगे कि हम सबके जो प्रेम है, आवाज़ है, यही समर जाए, हम वही पे दो लाइन हम आपसे बोलना चाहेंगे जी। जी बताइए। माँ सरस्वती के ही कृपा से सारे लोग जुड़े हैं। कि हे हंस वाहिनी बीड़ा वादिनी, सुन लो हमारी पुकार, रिद्धि सिद्धि विद्या के दाता, महिमा यगम अपार, तो ज्ञान के दान दे दी हमैया, आईनी तोहरे द्वार, और कुछ तो से ना मांगी। कि ये फिल्म हो हमारी सफल हो, और सारे लोग जुड़ करके इस फिल्म को सफल बनाए, सबका आशीर्वाद प्राप्त। धन्यवाद सर, आप एक बहुत बड़ी कंपनी चला रहे हैं, म्यूजिक कंपनी, भोजपुरी के लेकर आपकी सोच क्या है इस वक्त? म्यूजिक कंपनी तो नहीं, हम वीडियो कंपनी चला रहे हैं, जो सबसे ओल्डेस्ट कंपनी है, 1962 में
शिमारू का जन्म हुआ था और आज की तारीख में सबसे बड़ा जो कैटलॉग है हिंदी फिल्मों का वो हमारे पास ही है। और हम जैसे अब डे बाय डे जियो सिनेमा का पेनिट्रेशन होने के बाद में, डिजिटल टेक्नोलॉजी आने के बाद में, रीजनल सिनेमा का जो डेवलपमेंट हो रहा है उस सिनेमा को हम ध्यान में रखते हुए हमने पंजाबी, मराठी, गुजराती, भोजपुरी ऐसे काफ़ी हमने सैटेलाइट चैनल्स शुरू करने का भी निश्चय किया है। कल ही हमने मराठी की शिमारू मराठी बाणा लॉन्च की, जो फ्री टू एयर शिमारू मराठी बाणा सैटेलाइट चैनल है। वैसे ही हमारे 35 डीटीएच चैनल्स हैं जो ऑलरेडी एयरटेल, टाटा स्काई और उस पर चल रहे हैं। तो भोजपुरी भी हमारा विज़न है और हम आगे आगे जैसे हालात बदलते जाएंगे हम उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा करते जाएंगे रीजनल सिनेमा पर। भोजपुरी के लिए कुछ प्लानिंग किया हुआ, कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों को? नहीं, ऐसा कुछ प्लानिंग तो है नहीं, ऑलरेडी यहाँ पे मजे हुए लोग बैठे हुए हैं और जिन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है, हम उनसे या लाइसेंसिंग करेंगे या एक्विजिशन करेंगे। आपके तक बात है जैसे आप हिंदी फिल्मों के ज़्यादातर राइट्स लेके रखे हुए हैं, भोजपुरी सिनेमा के बारे में आपकी सोच क्या है? देखो, हर सिनेमा में इस तरीके से होता है कि चेंजेस आते रहते हैं, नयापन रहना ही चाहिए। और जो हालात जो आज जो स्टैंडर्ड बदली हो गया है फिल्मों का, एक एक्स लेवल की सिनेमा लोग देखते हैं थिएटरों में जाके, नहीं तो वो देखते नहीं हैं। तो कुछ नयापन लाओगे और अगर आप अपने आप को सुधारोगे और एक लेवल तक फिल्मों को बनाओगे तो आपके लोग तो आने वाले हैं थिएटर में, उसमें कोई शक नहीं है। शायद ऐसा है कि जो पहले थिएटरों में लोग आते थे वो नहीं मिले, बट यहाँ पे जो डेवलपमेंट डिजिटल का, जो नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, ये सब जो बड़े बड़े आ रहे हैं, उनकी रीच ज़्यादातर डायरेक्टली होम में है, जो लोगों तक एक दो मिनट के अंदर आपके मोबाइल पे आ जाती है। तो वो भी एक तरीके की रीच ही है जो डे बाय डे ग्रो हो रही है और सिनेमा तो बढ़ने वाला ही है। डिजिटल का जमाना भी आ गया है, थिएटर में पब्लिक कम जा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा फायदा डिजिटल ऑडियो वीडियो हो रहा है, इसके नहीं, डिजिटल 100% फायदेमंद इसलिए है कि अगर आप अच्छा कंटेंट बनाओगे तो लाइफ टाइम चलने वाला है। थिएटर की बात ऐसी होती है कि थिएटर में लोग देखो अक्सर सपने देखने जाते हैं और उस सपनों में अगर आपको लार्जर देन लाइफ वाली चीज़ें मिलती है देखने स्क्रीन के ऊपर, तो नेचुरली थिएटर में जाओगे। लोग क्यों सलमान की फिल्में, अजय की फिल्में और इनको देखने के लिए थिएटर में जाते हैं? क्योंकि उस फिल्मों में ज़्यादा खर्चा होता है, आपको ग्लैमर दिखने मिलता है, आपको म्यूज़िक अच्छा देखने मिलता है। तो थिएटर में तो 100% लोग जाएंगे अगर आपने अच्छी और बड़ी फिल्म बनाई है। भोजपुरी में कुछ एडजस्ट करने का कुछ प्लान है तो सही, लेकिन धीरे धीरे डेवलपमेंट होने वाला है। दर्शकों से तो मैं आग्रह ही कर सकता हूँ कि हम लोग जो फिल्म बना रहे हैं साफ सुथरी फिल्म बनाएंगे, सुरेंद्र जी आके थिएटर में देखें, इतना ही कहेंगे। एज ए डायरेक्टर आप हैं और हीरो एज ए सुरेंद्र जी के डायरेक्शन में करने जा रहे हैं, तो कुछ दिक्कत नहीं हो सकती है? नहीं, डायरेक्शन एक्टिंग कोई मतलब बहुत सिमिलर सा जॉब है, थोड़ा सा कैमरे के पीछे चले जाते हैं तो डायरेक्टर बन जाता है आगे, अदरवाइज कहीं ना कहीं एक एक्टर जिंदा होता है उसमें। तो और ऐसे हीरो भी आपकी फिल्म में आ चुकी है? आ चुकी है। जैसे कौन कौन बताएं दर्शकों को? एक तो नथुनिया पे गोली मारी थी, बहुत पहले मैंने बनाई थी 2011 में। गोली लगी थी नथुनिया पे? ऑब्वियसली उस टाइम पे तो लगी थी, उस टाइम पे एग्जैक्टली लगी थी, लेकिन दूसरी वाली जो बनाई नथुनिया पे गोली मारी थी उसमें एकदम नहीं लगी, वो एकदम वॉश आउट थी। बस अयाज जी तो मतलब वो फिल्म ही मतलब भोजपुरी की पूरी नहीं होती है अगर अयाज जी ना हो तो, बड़ी बात है। आप सभी को जो है नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, सब मेरी दुआ है कि सभी लोग जो है नए साल में कुछ अच्छा करें और हंसते रहे खेलते रहे। आज एक फिल्म का मुहूर्त जिसका नाम है लाखों में एक, हमारे भौजी और भौजी आपके बगल में बैठी है। बाप रे बाप, हाँ तो ये लाखों में एक है भी, हाँ देख नहीं रहे हैं? अरे भैया भी जो है हमारे करोड़ों में एक है, और भैया से हमारी आज के नहीं, भैया से हमारी बहुत जो है पुराना रिश्ता है, और फिल्म से नहीं, हम लोग जो है आउट ऑफ फिल्म, आउट ऑफ इंडस्ट्री से भी हम एक जो है बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता है, और बड़े भैया से हमेशा बातचीत होती रहती है। सुरेंद्र जी फिल्म के डायरेक्टर हैं, अजय जी फिल्म के हीरो हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है और कि सुरेंद्र भैया ने जो है भोजपुरी इंडस्ट्री को बहुत अच्छी अच्छी और बड़ी बड़ी फिल्मों में राइटिंग किया, अच्छी अच्छी कहानियाँ दिया,
और जाहिर सी बात है जो एक जो है राइटर जो होता है अपने स्टोरी के साथ कहानी के साथ बहुत न्याय करता है, क्योंकि जब एक राइटर जब कहानी लिखता है ना तो एक एक करेक्टर में वो घुसता है। तो मुझे उम्मीद है कि सुरेंद्र भैया जो है जिस सोच से इस स्टोरी को लिखे हैं उसको जो है वो कैमरे के माध्यम से जो है स्क्रीन पे छापेंगे भी। बिल्कुल, अयाज ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। सुरेंद्र जी बहुत अच्छे राइटर हैं, डायरेक्टर हैं। मैं भी इनको आज से नहीं करीब 10-15 साल से जानती हूँ, और चूंकि भोजपुरी में इतना दौर देख रही हूँ, आज का भी हो पुराना हो, हम सब मिलजुल के ही काम किए हैं। और ये बहुत अच्छी स्टोरी जिसके बारे में मैंने सुना, और मैं चाहूँगी कि नया वर्ष सबके लिए मंगलमय हो, तरक्की हो, सबका ईश्वर भला करे। और भोजपुरी इंडस्ट्री में इस तरह का सब्जेक्ट आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्यों आयाज? बिल्कुल बिल्कुल, और होना भी चाहिए। तो आप सभी को नया वर्ष बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। और कोई सवाल? हाँ, अजय जी के बारे में मैं यही कहूँगी कि ये तो बहुत पुराना संबंध है यारो, जिसे आपने कई सारे फिल्मों में देखा होगा। अजय की पहली फिल्म से लेकर के मेरे ख्याल से मैंने गवनवा ले जा राजा जी, जितनी भी उसके बाद की फिल्में हैं सभी में अजय से टकराई है। और प्लीज कीप साइलेंट एवरीवन। अजय जी एक बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छे एक्टर हैं। ये आप सभी लोग अब धीरे धीरे और देखते जाएंगे, हम तो जानते हैं वो एक्टर हैं, क्योंकि मैंने उनसे गवनवा ले जा राजा जी के टाइम से उनको जानती हूँ। और मैंने जो ये 15-20 साल का सफ़र भोजपुरी इंडस्ट्री में दिया है, और करीब नहीं कुछ तो 250-300 के करीब मैंने फिल्में की, तो मेरे जो भी साथी कलाकार रहे हैं, जो असिस्टेंट में रहे, आज डायरेक्टर हैं, ने सबने ऊँचाई किया, तो अजय जी भी उसमें से एक हैं। और मैं सबको बहुत बहुत बधाई दूंगी, अजय जी को भी, सुरेंद्र जी को भी, और सारे टीम को भी। थैंक यू सो मच। शुभकामनाएं देने ही हम आए यहाँ पे। हमारे सुरेंद्र मिश्रा जी, हमारी पहली फिल्म चलत मुसाफिर मोलियो 2005 में मैंने की थी दिनेश जी के साथ, उसके राइटर स्क्रीन प्ले डायलॉग इन्होंने लिखा था, काफ़ी छोटे भाई की तरह हैं। और इस फिल्म में हमारी बहू तुल्य उषा मिश्रा प्रोड्यूसर हैं इसमें, तो सिर्फ उनको ब्लेसिंग देने आए हैं। और जितने भी स्टार्स हैं इसमें, गोपाल जी हैं, अजय श्रीवास्तव भी छोटे भाई की तरह है, उनकी डायरेक्शन में कई फिल्में हमारे स्टूडियो में पोस्ट प्रोडक्शन के लिए आई थी, मैंने देखा बहुत अच्छी, लास्ट पिक्चर परवरिश बहुत अच्छी गई थी उनकी, तो अच्छे एक्टर भी हैं। और सुरेंद्र जी राइटर डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, अयाज भाई हैं, बाकी लोग जितने भी हैं इस टीम में सब प्रतिभाशाली हैं, और आशीर्वाद देने के हिसाब से हमें आए हैं कि उनकी पिक्चर अच्छी हो। टाइटल से ये है कि काफ़ी साफ सुथरी सामाजिक फिल्म बनाने की कोशिश लोग करेंगे, और डेफिनेटली उसमें सक्सेस होंगे, ये ब्लेसिंग है हमारा। बस पूरी टीम को हमारी तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी बधाई। सुरेंद्र जी ऑलरेडी हमारी पिक्चर कर रहे हैं, राइटर एज ए राइटर, और उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, आज उनकी खुद की पिक्चर है, तो हमारी तरफ से पूरे दिल से सपोर्ट और बधाई है सारे टीम को। अजय भी एज ए डायरेक्टर वो काम कर रहे हैं हमारे साथ, इसमें एज ए एक्टर काम कर रहे हैं, उन्हें भी बहुत दिल से सपोर्ट है, बधाई है। कब से शुरू हो रही है? हमारी फिल्म तो 27 से शुरू हो जाएगी। हमारी पिक्चर गौना है और दमाद जी किराए पे हैं, दो पिक्चर कर रहे हैं, दोनों पिक्चर का राइटर सुरेंद्र मिश्रा ही हैं, और डायरेक्टर अजय श्रीवास्तव, डायरेक्टर एज ए एक्टर भी काम कर रहे हैं हमारी पिक्चर में। तो 27 से हम लोग झारखंड में शूट कर रहे हैं, और पूरी पिक्चर वहीं पे करने वाले हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगी कुछ कई फिल्म के कलाकारों के बारे में, और आज मूर्त है उसके बारे में क्या कहते हैं? सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि फिल्म का जो टाइटल है लाखों में कमार भोजी, ये टाइटल अगर देखेंगे तो फिल्म नदिया के पार से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, और नदिया के पार का बिजनेस क्या था, उसकी प्रसिद्धि क्या थी, क्या था, सबको मालूम है, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं उस चीज़ को ये एक स्रोत बनता है, और चीज़ें डेफिनेटली वो फिल्म हिट होगी।
सेकेंडली एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जिस जगह पे हम मुहूर्त कर रहे हैं, इस जगह पे हमारे ब्रजेश पांडे जी थे, उनका एक बड़ी ब्लेसिंग से यहाँ पे, अभी हमारे बीच में नहीं है वो, बट अनिल चौरसिया जी हमारे सामने भी दिखाई दे रहे थे, एक मिनट में दिखा अनिल चौरसिया जी। तो ये मुंबई फिल्म एकेडमी अपने आप ही एक जगह का एक ऐसा प्रभुत्व है, इस जगह का एक प्रभाव है कि ये यहाँ से जो भी चीज़ होती हिट होके निकलती है। नहीं खलनायक नहीं, उसे खलनायक तो हमारे यार भाई हैं हमारे साथ, इन लोगों के साथ हमारे इन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला मुझे बहुत, मुझे कोर्ट में लोगों को इंसाफ दिलाते हैं और पर्दे पर आके लोगों को धो डालते हैं। नहीं, मेरा खलनायक ऐसा कहीं कुछ नहीं, जो चरित्र जो भी अभी देखिए उन्होंने फिल्म में हीरो का काम किया, उन्होंने एज ए लीड, उन्होंने एक मेल लीड आर्टिस्ट का काम किया, जबकि आज ये खलनायक रूप से जाने जाते हैं। तो सवाल ये नहीं कि कौन क्या कर रखा कर रहे, हम कभी जब भोजपुरी को समाज को हम क्या दे रहे हैं, चाहे हम अपने कला के माध्यम से दें, एक्टिंग के माध्यम से दें, लीगल एडवाइस के माध्यम से दें, प्रोड्यूसर के माध्यम से, जैसे हमारे मनोज जी हैं, मनोज भैया का नाम शुरू से इन्होंने जिस समय भोजपुरी फिल्मों का सेकेंड टाइम जब उनका जब जीवन शुरू हुआ था, मनोज जी की पिक्चर थी ससुरा बड़ा पैसे वाला, उसी दरमियान सेकेंड फिल्म इनकी आई थी चलत मुसाफिर मोहिनी, वो टाइम ये था कि जब शुरुआत में सीढ़ियाँ चल रहे थे, तो मनोज जी का एक योगदान जो फिल्म इंडस्ट्री में और आज भी जो चल रहा है ये किसी से छिपा नहीं है। और सबसे बड़ी और अहम बात ये कहना चाहता हूँ कि इस फिल्म को हमारी भी फिल्म जो बनाते हैं भोजपुरी, जो हम तो क्रिएशन कहें कि जब चाहे राज रांची में जाके करें, राजपिपला में करें, बॉम्बे में करें, फिल्म सिटी में करें, मठ में करें, उसको जनता तक पहुँचाने का के पहले थिएटर आने के पहले जो सबसे बड़ा अहम किरदार होता है वो काम करता है पीआरओ, जो कि पीआरओ का काम ये तो इतना महत्वपूर्ण काम होता है कि आपके बीच में लेके जाना, उनको अच्छे ग्लोरीफाई करके उन चीज़ों को समझाना, शॉर्ट में ट्रेलर टीजर क्या चीज होता है होना। और अभी हमारे ये भी कहना चाहता हूँ कि थोड़े दिन पहले हमारे बेस्ट पीआरओ का अवार्ड मिला था हमारे संजय भूषण जी के लिए, तालियां बजाएगा कि ये हमारी खुशनसीबी है कि हम उनके साथ बैठे हैं और हम उनके लिए शुभकामना करते हैं। और एक बार और ताली बजाना चाहूँगा क्योंकि अभी उनकी शादी हुई, शादी की मुबारकबाद। तो ये आप लोगों के पास, ये बाद में सुरेंद्र मिश्रा जी के बाद कहना ये चाहूँगा कि मतलब उनके बारे में तो कुछ कह नहीं सकता मैं, शब्द ही नहीं, मनु जी ने इतना कह उनके बारे में कह दिया है, मैं उसको जस्ट एक कंसीव कर रहा हूँ उन बातों को। और सुरेंद्र मिश्रा जी जो लिखते हैं, उनकी लेखनी में जो ताकत है, जो कलम में जो उनकी शक्ति है, वो शक्ति जब उभर के आती है और ये डायरेक्टर उस पर्दे के फिल्म के माध्यम से पर्दे पर उतारता है, तो वो चीज़ अपने आप एक बड़ी खूबसूरत सी होती है। तो मैं सुरेंद्र मिश्रा जी के भी तालियां चाहूँगा आपसे, और इस फिल्म की शुभकामना, हमारी शुभकामना कि फिल्म हिट हो, जनता के बीच में आवे। और तो ये भौजी के किरदार में आप भोजपुरी की किस अभिनेत्री को देख रहे हैं? मुझे लगा, डर लगा कि भौजी में हमारे किरदार में पूछ रहे थे, मैं थोड़ा शॉक हो गया। भौजी किरदार में, अब ये तो कास्टिंग होगी, बाद में डायरेक्टर है, राइटर है, तमाम चीजें फिल्म के स्क्रिप्ट के हिसाब से, ये थोड़ा सस्पेंस है जरा सा, तो कास्टिंग एक ऐसी चीज़ होती है ना, कास्टिंग बहुत ही तमाम लोगों के रिलेशन हिसाब से स्टोरी को उसको समझ के क्या क्या ट्रीटमेंट क्या क्या सोच के किया जाता है। और आपकी कौन सी फिल्म रिलीज होने वाली है बताते? हमारी फिल्म अभी तो कल एक लॉन्च, मुकद्दर का सिकंदर एक है, दिनेश जी के साथ में है एक फिल्म, वो है मुकद्दर का सिकंदर। दूसरा भी वो घातक फिल्म अभी है, अभी मैंने कल परसों शूटिंग कम्प्लीट किया, पवन जी के साथ में है, अभय सिन्हा जी की फिल्म, निशांत जी की फिल्म है। तो चलता रहता थोड़ा बहुत, मतलब अभी तो दोनों काम, ये भी काम वो भी काम, आप लोगों का सहयोग है, आप लोगों का प्यार है। और आयज भाई हम लोग मुश्किल, हम लोग बहुत सारी फिल्में एक साथ में किए हैं, और हम लोग कहीं भी जाते हैं सबसे बड़ी बात है कि हम लोग एक ही रूम शेयर करते हैं ये। और अयाज भाई के लिए भी एक मैं तालियां चाहूँगा कि एक बहुत बेहतरीन इंसान है कलाकार के अलावा। मुझे लगता है मैं कुछ ज़्यादा बोल दिया, तो अगला क्वेश्चन आप जी, मेरी शुभकामनाएं के साथ में खत्म। गोपाल भैया का पूरी टीम को यही आशीर्वाद दे रहे हैं कि ये फिल्म हिट हो और आप लोग और आगे जाएं, जो भी आपकी मनोकामना हो पूर्ण हो। स्वामी जी देखते हैं भोजपुरी फिल्में? पहले तो देखते थे, अब इधर लग रहा है देखेंगे। अभी क्यों नहीं देखते आप फिल्में? एक्चुअली हम, अब हमारी हिस्ट्री कुछ अलग है, बहुत पहले 14 साल पहले हम संन्यास लिए और उसके बाद गुरु जी के आदेश पे मणिकर्णिका घाट पे रहे काफ़ी दिनों तक जी, गुरु श्री वेद प्रकाश। और हम इस समय, हमने संन्यास लेने के बाद, गुरु जी के आदेश के बाद, फिर प्रभु प्रेम मिशन एक संगठन हम लोगों ने बनाया जी। तो प्रभु प्रेम मिशन के अंतर्गत हम छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी और इधर
एमपी में भी काफ़ी हमारा विस्तार है प्रभु के मिशन का, और बॉम्बे में भी इसका विस्तार हो रहा है। सुरेंद्र मिश्र जी हमारे शिष्य भी हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे इंडस्ट्री में हैं, तो इसलिए टाइम नहीं मिलता है भोजपुरी फिल्म या कोई भी फिल्म देखने के लिए। तो अब चूंकि ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो देखेंगे, अपने लोग जब कुछ काम करते हैं तो उस पर आशीर्वाद भी देंगे, और फिर देखना तो पड़ेगा जी। स्वामी जी पूरा भोजपुरी इंडस्ट्रीज को आशीर्वाद दीजिए। जी जी सब पूरा भोजपुरी इंडस्ट्रीज आगे बढ़े। जी जी सबको हमने कहा सबका साथ सबका विकास, तो मतलब शुरू में यही बोला सब लोग पूरी इंडस्ट्रीज बढ़ेगा तो हम लोग सबके बड़े। जी जी सबके प्रति हमारा, चूंकि हम लोग तो न में द्वेषी बस वही हम तो वही चाहते हैं कि भाई हमारी इंडस्ट्रीज आगे बढ़े, भोजपुरी इंडस्ट्रीज का नाम हो। चूंकि संत और भगवान में कोई बहुत अंतर नहीं होता है जी, और जी, भगवान के लिए कहा गया है कि समा सर्वेषु भूतेषु न मे द्वेषयोस्ति न प्रिय, स्वयं भगवान का कहना है। हाँ, बस 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 कि मैं मेरे लिए समस्त जीव सम है, बराबर है। हाँ, हाँ। मेरे लिए ना कोई द्वेष है ना किसी से कोई प्रिय है, तो इसलिए सबके प्रति हम संत के हिसाब से संत के जी उससे बोल रहे हैं अधिकार से कि पूरे मानव का कल्याण हो और सबका कल्याण हो, और साथ साथ चूंकि आप लोग आर्टिस्ट हैं तो आप लोगों पे विशेष आशीर्वाद, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी समाज में बहुत अधिक होती है जी, तो इसलिए आप लोग भी अच्छा वर्क करें, अच्छा काम करें और हमारे दिल से करें जी। तमाम जी, सब लोग आए हैं जो सब भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं जी जी, आज प्रेस वाले चाहे हमारे एक्टर एक्ट्रेस जो लोग, तो सबको आशीर्वाद दें। आपको बहुत आशीर्वाद है महाराज। तैयारी तो सारी हमारी पूरी हो चुकी है, बस हम लोग अब प्रस्थान करने वाले हैं झारखंड की ओर, तो पिक्चरें गाने सारी चीज़ हो चुकी है तैयारी, अब झारखंड जाएंगे और 27 से हम लोग का शूट शुरू हो जाएगा। फिल्म के स्टार की बात की जाए तो कौन-कौन से काम पहले चुके हैं? फिल्म का स्टार जो है दामाद जी किराए पे हैं, इसके लिए यश कुमार हमारे एक्टर हैं, फिर मैं खुद उसमें काम कर रहा हूँ साथ में, इसके लिए अजय श्रीवास्तव डायरेक्टर हैं, और एक्ट्रेस कल हमारी फाइनल हो जाएंगी, बाकी सारे किरदार फाइनल हैं जो एक एक करके हम सब नाम बताएंगे। जो मेन मुख्य म्यूजिक छोटे बाबा दे रहे हैं हमारे पिक्चर में। क्या कुछ फिल्म का थीम है, स्टोरी जरा एक बार बताएंगे? थीम और स्टोरी हम अभी ओपन करना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हाँ कॉमेडी है, कॉमेडी है, भरपूर कॉमेडी है, और एक पारिवारिक पिक्चर है जो आप काफ़ी इन्जॉय करेंगे जब पिक्चर आप देखेंगे। तो मतलब मेरा ये इच्छा है कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्रीज में जो पिक्चर बने और अच्छी पिक्चर बने, और हम ये आशा करते हैं कि हमारे जो भी दर्शक हैं जो पिक्चर को जाके हॉल में थिएटर में देखें, मतलब जैसे आज हमारे यहाँ बॉम्बे में मराठी पिक्चर लोग जाके हॉल में देखते हैं फैमिली के साथ, तो हम वो फील करना चाहते हैं कि हमारे मतलब भोजपुरी पिक्चर को भी लोग अब इन जाके थिएटर में देखें पूरे फैमिली के साथ, तो हम पिक्चर ऐसा बनाएं कि तमाम दर्शक जो भी हैं मतलब जो भोजपुरी पिक्चर को पसंद करते हैं वो जाके थिएटर में देखें, तो हमें हमारे दिल की इच्छा है, बस हम यही चाहते हैं। थैंक यू सर, चलिए।